आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी जब 83 साल के फादर स्टैन स्वामी जो हैं, जिनको मतलब बड़ी दिक्कत होती है पार्किंसन की, जिनको बीमारी है, 83 साल में एनआईए उनको गिरफ्तार करके ला रहा है और आप उनको बेल नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो वरवरा राम है आप उनको नहीं सुन रहे, जो मतलब उसी में बाथरूम भी उसी में कर रहे हैं, खाट में ही कर रहे हैं, उनकी इतनी बुरी हालत, आप उनको सुन नहीं रहे। तो आपके लिए क्या एक व्यक्ति जिसके पास इतनी दौलत है या सरकार का जो इतना चापलूस है, सरकार का चमचा है, सरकार का दलाल है, वो उसके इतना करीब है सरकार के, बस उसी का नजर आता आपको और का नजर नहीं आता? तो ये रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया सुप्रीम कोर्ट करे या कोई भी करे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और न्याय के मंदिर में तो होना ही नहीं चाहिए। सरकार की नीतियां निश्चित रूप से देश विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। और मैं आपको जानकारी में बताऊं, केवल किसानों का आंदोलन नहीं था, आज हमारा भी आंदोलन था जो ईवीएम के विरोध में और बाकी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उन सबके विरोध में हमारा आंदोलन था। आड़ कोरोना की ले रहे हैं बट सरकार अंदर से घबराई हुई है। जो पंजाब से, हरियाणा से, इधर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जो भी जितने भी किसान आ रहे हैं, इतने किसान संगठनों का वो है, निश्चित रूप से किसान जबरदस्त तरीके से सरकार से खपा है, सरकार के विरोध में है और सरकार इस बात से घबराई हुई है क्योंकि उन्हें मालूम है किसान आगे तो निश्चित रूप से दिल्ली में बैठ ही जाएंगे, जाएंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम करनी है तो ऐसे अधिकारियों को और कर्मचारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को उठा के जेल में भेजना, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन उस पर काम नहीं कर रही, आम आदमी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी का दुख दर्द उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसकी पीड़ा उसे दिखाई नहीं दे रही। अगर ये सब चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार रहे, विरोध सुप्रीम कोर्ट का भी होगा और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम, हमारे साथ यहाँ पे भानु प्रताप जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी हैं। किसान आंदोलन था आज, दिल्ली के सभी बॉर्डर को सीज कर दिया गया, किसी किसानों को भी अंदर नहीं आने दिया गया। इनसे बात करेंगे कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी को बेल दी, ये कहते हुए पर्सनल लिबर्टी सबकी होनी चाहिए। तो क्या पर्सनल लिबर्टी इस देश में केवल अर्णव गोस्वामी की है, केवल गोदी मीडिया के लोगों की है कि किसानों की भी है, आम लोग की भी है? मैं समझता हूँ उस पर सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेज हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, मैंने भी दी है कि केवल एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी नहीं हो सकती। अगर पर्सनल लिबर्टी है तो वो सबके लिए है, देश में चाहे कितने गरीब हो, चाहे कितने अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, इंसान के रूप में सब बराबर हैं, सबकी पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है, आउट ऑफ टर्न लाके उसकी पिटीशन में भी इतनी खामियां हैं, उस सबके बावजूद भी, पीछे की वजह क्या है? नहीं, पीछे की वजह साफ है कि निश्चित रूप से भाई अगर मेरा कोई यार लगता है या मैं किसी को अगर फेवर करता हूं तो मैं उसके लिए जो मन चाहूं कर दूं, यही, और इसीलिए क्रिटिसाइज हो रहा लगातार। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया पक्षपातपूर्ण है। अगर आप एक को दे रहे हैं तो आप दूसरों की भी सुननी पड़ेगी, आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी। जब 83 साल के फादर स्टैन स्वामी जो हैं, जिनको मतलब बड़ी दिक्कत होती है पार्किंसन की, जिनको बीमारी है, 83 साल में एनआईए उनको गिरफ्तार करके ला रहा है और आप उनको बेल नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो वरवरा राम है आप उनको नहीं सुन रहे, जो मतलब उसी में बाथरूम भी उसी में कर रहे हैं, खाट में ही कर रहे हैं, उनकी इतनी बुरी हालत, आप उनको सुन नहीं रहे। तो आपके लिए क्या एक व्यक्ति जिसके पास इतनी दौलत है या सरकार का जो इतना चापलूस है, सरकार का चमचा है, सरकार का दलाल है, वो उसके इतना करीब है सरकार के, बस उसी का नजर आता आपको और का नजर नहीं आता? तो ये रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया सुप्रीम कोर्ट करे या कोई भी करे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और न्याय के मंदिर में तो होना ही नहीं चाहिए। किसानों के द्वारा आज इतना बड़ा आंदोलन बुलाया गया था, 500 से ज़्यादा संगठनों का बुलावा था आंदोलन के लिए, लेकिन अभी जंतर मंतर पे 5 आदमी भी यहाँ पे आंदोलन करने के लिए नहीं इकट्ठा हो पाए, इसकी वजह क्या है और सरकार की जो नीतियाँ उसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार की नीतियाँ निश्चित रूप से देश विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। और मैं आपको जानकारी में बताऊँ, केवल किसानों का आंदोलन नहीं था, आज हमारा भी आंदोलन था जो ईवीएम के विरोध में और बाकी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उन सबके विरोध में हमारा आंदोलन था। लेकिन क्योंकि कल शाम के 5:30-6 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई आपके जो परमिशन है वो कैंसिल कर दी गई, सभी की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। तो सभी के परमिशन कैंसिल करने का मतलब ये है, आड़ कोरोना की ले रहे हैं बट सरकार अंदर से घबराई हुई है। जो पंजाब से, हरियाणा से, इधर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जो भी जितने भी किसान आ रहे हैं, इतने किसान संगठनों का वो है, निश्चित रूप से किसान जबरदस्त तरीके से सरकार से खपा है, सरकार के विरोध में है और सरकार इस बात से घबराई हुई है क्योंकि उन्हें मालूम है किसान आगे
तो निश्चित रूप से दिल्ली में बैठ ही जाएंगे, जाएंगे नहीं। और फिर जब किसानों के साथ साथ पूरा देश किसानों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता हो रही है, औरों को भी, किसान को अगर दिक्कत होती है तो दिक्कत पूरे देश को होगी, केवल किसानों को नहीं है। इसको भी समझना चाहिए हर किसी को। किसानों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता हो रही है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, वाटर कैनल चलाए जा रहे हैं इस ठंडी के मौसम में भी, क्या ये सब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है? सब दिखता है, क्यों नहीं दिख रहा? जो आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आम आदमी को दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिख रहा? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया पक्षपातपूर्ण है कि जहां उसे देखना चाहिए वहां नहीं दिख रही, एक पर्टिकुलर चश्मे से वो देखती है और कुछ ही लोगों के लिए जो है वो बनी हुई है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर लगातार ये जो सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की प्रासंगिकता लगभग खत्म हो गई है। आम आदमी के ऊपर जब संकट आता है तो वो किसी की तरफ ना देखते हुए वो कोर्ट की तरफ जाता है, कोर्ट की तरफ उसका ध्यान जाता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया रहा तो वो किस तरफ जाए? नहीं, कहीं नहीं जाए, विरोध करें, आंदोलन करें। आम आदमी को सड़क पर उतरना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही क्यों ना करना पड़े, चाहे सभी अदालतों के खिलाफ क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अदालत को भी यह एहसास कराना जरूरी है कि तुम अगर गलत काम करोगे, तुम्हारा अगर पक्षपातपूर्ण रवैया रहेगा, एक पक्षीय रवैया रहेगा, तो ये देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हो, अन्याय करने के लिए नहीं बैठे, जैसा सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रही है। जो पक्षपात करी तुम उसके लिए नहीं बैठे हो, संविधान ने तुमको पावर दी है तो वो देश के हित में, जनहित में तुम्हें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए तुम्हें, वरना किस बात के लिए है? आप पिक एंड चूज वाले नहीं कर सकते कि जिसको मैं चाहूंगा उसके लिए तो मैं जो चाहूं कर दूं और जिसको नहीं चाहूंगा उसके लिए कुछ भी नहीं, जो मेरी आंखों के सामने मरता रहे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये रवैया है, इस पूरे कोरोना काल में सबके सामने आया है, पूरी दुनिया के सामने आया है कि कैसे आंख पे पट्टी बांधकर सुप्रीम कोर्ट बैठी रही है। जहां उसे सुमोटे एक्शन लेना चाहिए था वहां कोई एक्शन उसने नहीं लिया और जनता मरती रही, वो चुपचाप बैठी देखती रही। कुछ हाई कोर्टों ने जब बड़े कड़े फैसले दिए हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहीं कहीं हल्ला सा मचा कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं जो प्रवासी मजदूरों के ऊपर, जब कई हाई कोर्ट ने किया, देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो करी, और वो भी 62 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने, और वो तब तक जब तक सारे लोग अपने घर पहुंच चुके थे। ये सारी चीज बताइए, किसी के ऊपर भी कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जा रहा है, कोई भी थोड़ा सा भी अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जा रहा है, तो क्या अब हमारे देश में बोलने की भी आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है? वो तो बहुत पहले से है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सारी की सारी चीजें अब ज्यादा मात्रा में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में खड़ी है। हालांकि जिस तरह से कुणाल कामरा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की फजीहत हुई है और उससे पहले प्रशांत भूषण साहब वाले केस में जो सब कुछ हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है, तो उससे जो अवमानना का केस चलना चाहिए था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा वाले में कह दिया कि नहीं भाई हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है दूसरा मामला, तो उससे उसको थोड़ा एहसास हुआ है कि पूरा देश खिलाफ है और ये जो आप कर रहे हो ये निश्चित रूप से आपके लिए आगे आने वाले समय में हानि करेगा। ये बात जो बोलने की आज़ादी है इस पर प्रतिबंध लगातार लगाया जा रहा है। ये UAPA कानून क्या है, ये NSA कानून क्या है, ये बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध है और कुछ नहीं। आज संविधान दिवस है और ऐसे बहुत सारे कानून भी आए हैं, आपने UAPA का जिक्र किया और भी कानूनों का जिक्र किया, एक चीज़ हमें थोड़ा सा समझाइए कि क्या होता है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का अभी स्टेटमेंट आया था अर्णव गोस्वामी केस में, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको आर भारत नहीं पसंद तो उसे मत देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा स्टेटमेंट आप कहाँ तक किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है। अगर यही बात है और इसी को अप्लाई करते हैं तो भाई तुम्हें भी जो और लोगों की बातें पसंद नहीं है मत देखिए, आप उनको मत सुनिए, आप वो जो भी लोग बोल रहे हैं चाहे मैं हूँ या कोई भी है आपके विरोध में बोल रहा है वो आपको पसंद नहीं है मत देखिए, आप मत सुनिए उसे, आपको मत पढ़िए उसका उसको, आप किसी भी चीज को एक तरफ से लागू नहीं कर सकते, लागू करना होगा तो सार्वभौमिक रूप से आपको लागू करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझती है कि वो जो कर देगी उसको मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और ये भी देखना होगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो कितने कंटेम्प्ट करेगी, कह रहे ना करो जितना भी कर सकते हो तुम करो कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट को उस पर करना चाहिए जो पूरे देश में लगभग 1,00,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों में, भिन्न भिन्न हाई कोर्टों में पड़े हैं, वो मुकदमे हैं कंटेम्प्ट के जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आदेश किए लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने अधिकारियों ने वो आदेश माने नहीं, आज तक नहीं माने, 1,00,000 मुकदमे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करनी है तो ऐसे अधिकारियों को और कर्मचारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को उठा के जेल में भेजना, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन उस पर काम नहीं कर रही, आम आदमी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी का दुख दर्द उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसकी पीड़ा उसे दिखाई नहीं दे रही। अगर ये सब चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार रहे,
विरोध सुप्रीम कोर्ट का भी होगा और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव भी होगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखते हैं कितने लोगों को जेल भेजेंगे, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा। मैं किसानों के हक की बात करूंगा, कानून व्यवस्था जाए भाड़ में। जब देश की सरकार ने कानून व्यवस्था की जो तिलांजलि दे दी है, कानून व्यवस्था देश की सरकार ने खत्म कर दी है, तो फिर किस बात की बात करें। जब 500 केस होते हैं संक्रमण के, कोरोना के, आप पूरे देश में लॉकडाउन कर देते हैं। जब 1,00,000 प्रतिदिन आ रहे हैं, तब आप बिहार में चुनाव करा रहे हैं। बिहार में चुनाव जीतने के बाद यही तो है, पास में ज्यादा देखा नहीं होगा, यहीं पे उसका बीजेपी का हेड ऑफिस है। कितनी बुरी तरह से जीत का जश्न मनाया गया और कितना एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था। जब वहाँ कोरोना नहीं है तो यहाँ कैसे होगा? तो मेरे लिए कानून और व्यवस्था बाद की चीज़ है। देश की जनता का जो हित है, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो लड़ाई है वो पहले है। क्या संविधान खतरे में है? संविधान तो बहुत पहले से खतरे में है। संविधान को लागू ही कहाँ किया गया है? संविधान अगर तरीके से लागू होता तो ये सारी चीज़ें होती नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितने भी लोग MLA MP जो बैठे हैं विधानसभाओं में और संसद में, वो सारे के सारे देश की जनता के विरोधी हैं, उसके अपराधी हैं, और उन्हें जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। संविधान बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है, दूसरी जिम्मेदारी जो है कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की। ये सब उसको फेल है उसको बचाने में, और ये सरकार के सामने नतमस्तक है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, लेकिन इसी के लिए जनता को खड़े होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप जी आपका। तो दोस्तों, ये थी बातचीत भानु प्रताप जी वरिष्ठ वकील से। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।